साथियों नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए देखते हैं आज की यह खास खबर। कस्बा बबीना के मेन रोड पर दोनों तरफ अतिक्रमण होने से रोज यातायात बाधित हो रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए आज बबीना थाना अध्यक्ष ब्रजेश बहादुर सिंह ने बबीना पुलिस बल के साथ बबीना थाने से हाट बाजार तक पैदल गश्त करते हुए सड़क किनारे फुटपाथ पर व्यापार करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए उनकी अस्थायी दुकानों को पीछे की ओर खिसकाया। साथ ही पक्की दुकानों में व्यापार करने वाले व्यापारियों द्वारा अपनी दुकानों का सामान सड़क किनारे नुमाइश के लिए रख दिया जाता है। ऐसे दुकानदारों को भी हिदायत देते हुए कहा गया कि वे अपने सामान की नुमाइश सड़क किनारे ना लगाएं, बल्कि अपना सामान दुकान के अंदर ही रखें। आपको बता दें कि मेन रोड पर अस्थायी दुकान लगाने वाले व्यापारियों को समाचार पत्रों के माध्यम से छावनी परिषद बबीना द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है कि वे अपनी दुकानें हाट बाजार में जाकर लगाएं, अन्यथा की स्थिति में ऐसे दुकानदारों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आज अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए बबीना थाना अध्यक्ष ब्रजेश बहादुर सिंह ने भी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो पुलिस भी ऐसे लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई अमल में लाएगी। इसके बाद उन्होंने छावनी परिषद बबीना के कारगिल पार्क में जाकर बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं से वार्ता करते हुए पूछा कि पार्क में उन्हें किसी प्रकार की असुरक्षा महसूस तो नहीं होती है। अगर ऐसा है तो पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से प्रिंस राज यादव के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। सकीना को दीजिए इजाज़त, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।